सलामती कौंसल अंडर सेक्रेटरी जनरल ब्राय इंसानी अमूर मार्टिन ग्रेफ्थिस ते यूनिसेफ दी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन रसल दे नाल यूक्रेन ते इंसानी सूरत हाल ते ब्रीफिंग दित्ती. When or if they would see each other again. The children talked about being suddenly pulled out of school, of losing beloved toys, and the terrifying sound of shelling and gunfire. So many children have been deeply traumatized. Excellencies, UNICEF and our partners are working 24 hours a day to meet rapidly escalating humanitarian needs in Ukraine and in neighboring countries. From trucking in safe water for drinking and hygiene, providing emergency medical services, and providing shelter and protection for those displaced from their homes. नेटो दा रूस यूक्रेन जंग मुतल्लिक अहम बयान जारी. नेटो सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि यूक्रेन ते रूस दा हमला बदतरीन मसाइब ते तबाहकुन असरात दा सबब बनया है. रूस यूक्रेन दे शहरियां नूं निशाना बना रहा है. साडी जिम्मेदारी बनदी है कि तनाजे यूक्रेन तो अगे वधण ना देवीए. उन्होंने मजीद कहा कि नेटो अपने इतिहादी इलाकों विच 1-1 इंच दी हिफाजत ते दिफा करेगा. रूस ने मुतालबा कीता है कि यूक्रेन तनाजे नूं फौरी खत्म कीता जावे. ملکہ برطانیہ دی محافظ دستے وی شامل سیکیورٹی اہلکار روس نال لڑن دے لئی یوکرین چلا گیا. روس دے خلاف لڑن دے لئی جان والا 19 برس دا اہلکار رونسر بیرکس وچ تعینات سی. ملکہ برطانیہ دے دستے وی شامل اہلکار والدین دے نام پرچی چھٹ کے یوکرین روانہ ہو گیا. برطانی فوج دے حکام دی جانب تو ملکہ برطانیہ دے محافظ نو یوکرین دے رستے وچ روکن دی کوشش کیتی گئی، تاہم سیکیورٹی اہلکار نے رکن تو انکار کر دتا. वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बज़िंजो दे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद दी गूंज सुनाई देण लगी. बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने PTI दे नाराज अरकान दे नाल राबता कीता ते दीगर सियासी जमातां दे नाल वी राबता कीता जावेगा. साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान जाम कमाल दा कहना है कि हुकूमत बलूचिस्तान इसी तरह रही ते तहरीक लेके आणगे. सरदार यार मोहम्मद रिंद ने कहा कि अरबा रुपए दे के वज़ीर-ए-आला बनन दे बयान ते ओ कायम ने, तहकीकात दे लई कमीशन बनाया जाएगा. बलूचिस्तान दे जिला चागी विच सुबह सवेरे जलजले दे झटके महसूस किए गए. चागी ते इस दे गिरदोनवाह विच जलजले दे झटके महसूस होने तो बाद मकीना विच खौफ और हिरास फैल गया ते ओ कलमे दा विरद करदे होए अपने घरां तो बाहर आ गए. जलजला पेवा मरकज दे मुताबिक चागी विच आने वाले जलजले दी शिद्दत 3.7 रिकॉर्ड की गई है. जलजला पेवा मरकज दा यह भी कहना है कि इस जलजले विच जेरे जमीन गहराई 5 किलोमीटर सी, जबकि मरकज दालबंदीन विच 62 किलोमीटर शुमाल मगरिब विच सी. PTI दी खसूसी परवाज पोलैंड तो 232 पाकिस्तानियों नूं लेके इस्लामाबाद पहुंच गई. खसूसी परवाज विच यूक्रेन तो आने वाले तुलबा ते दीगर अफराद सवार सन. यूक्रेन तो वापस आने वाले तुलबा ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट ते ज़राए नाल गुफ्तगू करदे हुए दस्या कि यूक्रेन दे हालात बहुत ज्यादा खराब ने. बम गिर रहे ने, अल्लाह ने सानू बचाया, किसी ने कुछ नहीं किया. तुलबा दा कहना है कि खान पीन दा बहु मसला है. 3 दिन तक भूखे रहे. यूक्रेन तो 3 दिन विच पोलैंड पहुंचे. पोलैंड विच पाकिस्तानी सफारतखाने ने मदद कीती. एयरलाइन तर्जुमान दे मुताबिक तैयारा सुबह सवेरे पाकिस्तान तो पोलैंड दे दारुल हुकूमत वारसा भेजा गया. PK-77-88 तुलबा समेत 232 मुसाफरां नूं लेके इस्लामाबाद पहुंची है. MKM पाकिस्तान ने आज होने वाली सेनेट इलेक्शन विच हिस्सा ना लेने दा ऐलान कर दिता. ऐलानिया दे मुताबिक MKM पाकिस्तान दे कन्वेंस डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी दी सदारत विच राबता कमेटी दे होने वाले इजलास विच आज दे सेनेट इंतखाब विच हिस्सा ना लेने दा फैसला कीता गया. फैसल वावड़ा दी सेनेट दी खाली नशिस्त ते ज़मनी इंतखाब दे लई सिंध असेंबली विच पोलिंग जारी है. इस नशिस्त ते पीपल्स पार्टी दे निसार खोड़ू ते PTI दे आगा अरसलान मद्दे मुकाबले ने. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे नाराज ग्रुप दे रहनुमा अलीम खान जहांगीर तरीन दे नाल मुलाकात दे लई इस्लामाबाद तो बरतानिया रवाना हो गए ने. अलीम खान लंदन विच जहांगीर तरीन दे नाल मौजूदा सियासी सूरतेहाल ते मशावरत करनगे. जहांगीर तरीन ग्रुप दे रहनुमा दा एवी कहना है कि मुलाकात विच अब्दुल अलीम खान ते जहांगीर तरीन मुश्तरका हिकमत अमले नू हतमी शक्ल देणगे. जहांगीर तरीन लंदन विच सेहतयाबी तो बाद अस्पताल तो घर मुंतकिल हो गए ने. ओ सियासी तौर ते वी मुतहर्रिक हो गए ने.
ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ੀਦ ਬਖਬਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.actvusa.com ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਲਿੰਕ ਟ੍ਰੀ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਾਮਹਦੂਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।